गुड मॉर्निंग बच्चों, कौन सा विषय? हिंदी विषय। मेरा नाम है अक्षय संताना। जो भी हिंदी विषय करने से पहले हम एक छोटी सी गीत सुनेंगे। मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी, तैर तैर कर जाती है, बिन पानी मर जाती है। रंग बिरंगी मछली देखो, मटक मटक बह जाती देखो, रंग बिरंगी मछली देखो, मटक मटक बह जाती देखो। मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी, मछली जल में है तो जीवित रहेगी, मछली जल से बाहर आने तो मर जाती है, वो पानी में ही रहती है। मछली को देखे ना सब, कितने रंग रंग के मछलियाँ आते हैं ना, हम देखते हैं मछलियों को, इतनी सारे मछलियाँ। हाँ चलिए हम देखेंगे वर्णमाला। हम पहले हिंदी में क्या सीखना चाहिए? वर्णमाला सीखना चाहिए। वर्णमाला सीखने से हम हिंदी विषय को सरल इजी से सीख लेना। पहले इसके लिए पहले हम वर्णमाला सीखना चाहिए। वर्णमाला से ही शब्द बनता है। शब्द से क्या होता है? सेंटेंस वाक्य होता है। वाक्य सीखने से हम पढ़ना लिखना हिंदी विषय में कुछ भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, उसे हम इजी से सीख लेते हैं। इसलिए सीख लेने के लिए क्या चाहिए? पहले अक्षर को सीखना। कोई अक्षर भी हो, अक्षर से हम शब्द बनाते हैं। शब्द जो शब्द सारे शब्द मिलकर क्या होता है? वाक्य होता है। इसलिए हम पहले वर्णमाला की जानकारी लेना है। वर्णमाला नहीं तो कुछ भी नहीं, आपको पता है ना वर्णमाला? चलिए मैं आपको बताती हूँ वर्णमाला किस तरह जाना चाहिए, वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे, वर्णमाला से हम कैसा सीख लेना चाहिए वर्णमाला को, यह हम जानेंगे। कर अभी देखिए आप, हम वर्णमाला सीखने जा रहे हैं। पहले देखिए विषय कौन सा है? हिंदी। हिंदी विषय आपको पता है, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी क्या है? हमारा राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी के सीखना बहुत ज्यादा जरूरत भी है और सीखना भी इतना ही जरूरत है कि इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हिंदी सीखने के पहले हम वर्णमाला सीखना चाहिए। वर्णमाला अब हम जानेंगे किस तरह वर्णमाला लिखना है। चलिए आप देखते हैं वर्णमाला को किस तरह लिखना है। देखिए पहले इस तरह हम यहाँ पर राइट में लिखा तो हम यहाँ पर लिखा होगी देखिए इतना धीरे से इस तरह लिखना चाहिए। बहुत सरल है वर्णमाला लिखने के तरीका इस तरह। और दूसरा है इसको हम यहाँ पर और एक लाइन और एक रेखा डालने से आ हो चुका आ आ। देखिए ई ई को यहाँ पर लिखूंगी और ई। यहाँ पर देखिए इसी तरह ई आ आ ई ई। ऊ अभी इतना ही सरल है। ऊ किस तरह? आ आ ई ई।
रूप हो गया अभ्रांता रूप। बाद में ए ये क्या हमने देखिए कि इतना सारा ज्ञान हिंदी विषय को लिखने का तरीका ये और ये आपके बाद में आई ये के बाद में आई आता है ये नहीं ये आई कौन सा ये आई ये के बाद में आई देखिए वो फिर वो को किस तरह लिखना हम लिखाना आ आ लिखा था ना इसमें हम वो आ लिखा था ना यहाँ पर इसे इस तरह लिखने से वो होता आ वो के बाद में आ हुआ जाता है को के बाद में आओ चलिए आओ को किस तरह लिखते हैं इसी तरह आओ को के बाद में आओ आता है वो ओ नहीं जो हम कन्नड़ में पढ़ते हैं ना ये के बाद में ए इस तरह नहीं हिंदी में वर्णमाला ये आई वो आओ अब देखिए आओ हम देखे आम हम यहाँ लिख लिए अम और यहाँ पर भी अम और आहा देखिए कितना सरल हो चुका नाम हिंदी लिखने का देखिए आप हम देखेंगे यहाँ पे समझ में आ चुका ना किस तरह वर्णमाला होता है अब हम देखेंगे आपको किस तरह लिखना है पहला अक्षर देखिए इस पहला वर्णमाला में पहला अक्षर है आ पहला ए इस तरह लिखकर यहाँ पर तीसरा आई लिखकर हम आ लिखते हैं और तो समझ में आया ना आपको आ किस तरह लिखते हैं आप धीरे से आपकी जो दाग है उसमें आ इस तरह लिखना और उसके ऊपर दो या तीन बार उसके ऊपर ही अक्षर के ऊपर ही लिखना चाहिए जब तुमको लिखने के लिए सरल और इजी होगा और दूसरा है आ तो आ चुका है आपको किस तरह लिखना है आपको समझ में आया और लिखने के लिए भी आ गया अब हम देखेंगे आ आपको किस तरह लिखना है पहले ए इस तरह डालकर लाइन लेकर उसे रेखा देकर
बाद में इस तरह भी किस तरह लिखती हूँ आप भी इसी तरह लिखना आपकी किताबें पेंसिल लेकर और किताब लेकर मैं किस तरह अक्षरों को यहाँ पर दिखा रही हूँ उसी तरह लिखने से आपको समझ में आएगा। और ई तो ये याद देना आपको किस तरह लिखना है ई को देखिए एक बार इसी तरह ई को लिखना है। और ई तो ई छोटी ई आगे से ही हटने से बड़ी ई हो गई देखिए मैं किस तरह लिखती हूँ आप भी उसी तरह लिखना चाहिए मेरे साथ से लिखना मैं किस तरह लिखती हूँ उसी तरह आप आपकी किताबें लिखने से आपको लिखना ईजी होगा। आप देखे हूँ तो चलिए आ आ आप लिखकर
हमें आहा आहा भी आ लिखना है। पहले लिख चुके हैं आप आ, पहला अक्षर ही आ है, उसके बाद हम आ लिखकर यहाँ पर दो रट डालने से क्या होगा, आहा आ आ ई ई उ उ रु। ये आई वो आओ अम आहा, इस तरह हम ना अक्षरों को लिख दिए हैं। किसी तरह किस तरह लिखते हैं आपको भाई बताना, लिखकर आ से आहा तक अक्षरों को धीरे से और किस तरह पहले कौन सा अक्षर किस तरह लिखना है आप इसी तरह लिखने से हम सही तरीके से वर्णमाला जानेंगे और लिखेंगे। आप इधर से नहीं लिखना, किस तरह पहले कौन सा अक्षर आता है उसे किस तरह पहले लिखना चाहिए उसी तरह लिखना है, इसी से हम अक्षरों को ठीक तरह से जानेंगे। चलिए मैं एक बार पढ़ती हूँ, आ आ ई ई उ उ रु। ये आई ओ औ अम आहा आ आ ई ये आई ओ आओ अम आहा। कितने अक्षर हैं यहाँ देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, कितने अक्षर हो चुके, तेरह अक्षर हो चुके, यह तेरह अक्षर हो चुके। कितने अक्षर, तेरह। अभी आ से आहा तक अक्षरों को हम क्या करते हैं, स्वर अक्षर करते हैं, वर्णमाला में स्वर। देखिए इनको क्या करते हैं, स्वर करते हैं, स्वर कितने अक्षर हो चुके, तेरह अक्षर हो चुके, कितने अक्षर हो चुके, तेरह अक्षर हो चुके, आ से आहा तक तेरह अक्षर हो चुके। चलिए अब हम स्वर को बदलते हैं, इतने तेरह अक्षर को स्वर अक्षर वर्णमाला में स्वर, स्वर कहाँ से आहा तक स्वर, स्वर अक्षर होते हैं। स्वर अक्षर कितने होते हैं, तेरह। अब आपने गिना ना, आ से आहा तक कितने अक्षरों को गिना, तेरह अक्षरों को गिना। तेरह अक्षरों को गिनने के बाद हम देखेंगे इन दोनों को आम और आहा, क्या इन दोनों अक्षरों को क्या कहते हैं, आ से आउ तक स्वर। देखिए आ से यहाँ से आउ तक क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। देखिए मैंने बताया आ से आहा तक स्वर, लेकिन आ से आउ तक स्वर कहते हैं। स्वर में इन दोनों को, स्वर में इन दोनों को अम और आहा को क्या कहते हैं, देखिए अनुस्वर, क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर क्या होगा, अम। अनुस्वर क्या है, अम। और
जानेंगे। पहले स्वरक्षर को जान चुका, उसमें आम अनुस्वर आहा विसर, आम अनुस्वर होता है आहा विसर होता है। तो चलिए आप एक सब समझ में आया, एक बार आप भी पूरे अक्षरों को लिखिए, बाद में हम देखें। मैं आपको अभी एक बार इसी तरह किस तरह हम अक्षरों को लिखना है वह दिखाऊंगी, किस तरह लिखना है देखिए। एक एक अक्षर को मैं लिखकर आपको समझाऊंगी किस तरह लिखना है अक्षरों को। देखिए पहला अक्षर है, और एक बार फिर से आपको बताऊंगी यहां से आ से आ तक आपको आ जाएगा। आ, धीरे से आप भी मेरे साथ ही लिखना। आ, आ, ई, देखिए पहला इस तरह हम अक्षर को लिखना आ, ई। आप देखेंगे अभी बोलिए मेरे सामने ओ ओ रु। पहले लाइन डालना, उसके बाद में हम देखेंगे इस तरह रु, ये तो इस तरह लिखना है ये। हाँ ये हो गया। आप देखें आ, आए, ये के बाद में आए, आपको समझ में आ रहा होगा आए के बाद में वो। आप भी मेरे साथ में फिर से हल्के से लिखिए किस तरह लिखना है ओ के बाद में आओ। देखिए आओ इस तरह लिखते हैं हम। आ से औ तक हो गए, स्वर हो गए। आप देखिए आम, आम को क्या बोलते हैं, आम इस तरह लिखना है। पहले यहाँ पर इस तरह अक्षर को लेना और लाइन डालना, आम हो गए। आम को हम बोलते हैं अनुस्वर, क्या बोलते हैं अनुस्वर। और देखिए यहाँ पर आहा, अब कितना अच्छा लिख दिया ना आहा कर विसर, अनुसर विसर, आहा को विसर कहते हैं। इन आ से आहा तक स्वर, तो पहला बार में स्वर हो चुके। अब हम अगली कक्षा में व्यंजन अक्षरों को देखेंगे। व्यंजन अक्षरों को देखने से पहले आ से आहा तक आप सबको, पूरे बच्चों को भी आना चाहिए अक्षर किस तरह लिखना वह ठीक तरह से।